गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं गया था यूएई गैलेक्सी स्टोर में, जहां पर आपको मैंने S24 अल्ट्रा दिखाया था। एंड वहां पे ही मैंने गैलेक्सी A34 देखा। इसकी जो लुक एंड फील थी, दैट वाज क्लोज टू अ प्रीमियम फ्लैगशिप फ़ोन। एंड उसी के साथ मैंने गैलेक्सी A54 5G को भी देखा है। एंड इसकी कैमरा कैसी है, कैसा ये फ़ोन लुक दिखता है, कैसी इसकी फील है, सब कुछ बताऊँगा इस वीडियो में। सो डू सब्सक्राइब फॉर दिस टाइप ऑफ वीडियोज़। एंड यहाँ पर आप कैमरा देख सकते हैं। इस बार सैमसंग ने ना कैमरा में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किए, जैसे कि आप देख सकते हो कि कैमरा की जो पिक्सल्स हैं काफ़ी क्लियर है, स्किन टोन्स काफ़ी अच्छे से कैप्चर करता है। एंड उसी के साथ मैंने यहाँ पर देखा गैलेक्सी A54 को, ये तो भाई ख़तरनाक चीज़ लग रही है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो UI है, एंड मतलब काफ़ी ज़्यादा फीचर्स इसके अंदर आपको अच्छे मिलते हैं। जूम भी है इसके अंदर, पोर्ट्रेट मोड भी है, और मतलब इसकी जो स्किन टोन्स है ना काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है इस बार सैमसंग की। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन। एक्सिनोस का इन्होंने प्रोसेसर दिया है, अगर स्नैपड्रैगन देते तो और भी ये बेहतर होता, क्योंकि एक्सिनोस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हीटअप करते हैं, इनकी परफॉर्मेंस जो है सस्टेन नहीं करती है। उसके साथ मैंने A25 को भी देखा, जो कि मतलब ऑन नहीं हो रहा था, आई थिंक इसकी बैटरी चार्ज नहीं थी या कोई और इशू होगा। एंड मैंने गैलेक्सी A15 को भी देखा, लेकिन वो भी चार्ज नहीं था। तो गाइस, हमारी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो यहाँ पर आप जो है कुछ और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं हमारी वीडियोज़ में। आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैं और ज़्यादा कॉन्टेंट पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है A15 5G, जो कि मतलब बंद पड़ा हुआ है। एंड ये है A15 5G येलो कलर का। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके स्पेसिस, इसमें हीलियो G99 है। A15 LTE ही है, 4G वर्जन है ये। उसी के साथ यहाँ पर मैंने A25 5G को देखा है, इसमें एक्सिनोस का प्रोसेसर था। A34 मैंने आपको दिखाया था। एंड उसी के साथ यहाँ पर और भी काफ़ी ज़्यादा फ़ोन्स थे, जैसे कि सैमसंग की S23 सीरीज़ भी थी, S24 भी था। तो मतलब इसको भी मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे वाली वीडियोज़ में कवर करूँगा, सो डू सब्सक्राइब। आज जो है मैंने आपको एक हैंड्स ऑन वीडियो देना था A34 एंड A54 5G के बारे में, जिनकी लुक एंड फील अच्छी थी, स्किन टोन्स काफ़ी अच्छे हैं कैमरा में, लेकिन प्रोसेसर इज़ नॉट दैट ग्रेट कि मैं आपको ये फ़ोन्स रेकमेंड करूं। आई फील सो के A52 काफ़ी अच्छी चॉइस थी। A53 में मुझे आइडिया नहीं है कि उन्होंने स्नैपड्रैगन दिया था नहीं दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी पिक्सल्स थी S21 FE में, और यह है गैलेक्सी S23। यस, S23। एंड यहाँ पर आप इसका कैमरा देखो, कितना लेवल का स्किन टोन उन्होंने इम्प्रूव किया है, बहुत ही मतलब प्रीमियम फ़ोन वाली फील आ रही है इन सारे फ़ोन से। एंड यहाँ पर है S23 Ultra। जी हाँ, ये लास्ट फ़ोन है सैमसंग का जिसमें जो है उन्होंने साइड बेजल्स दी थी, मतलब के कर्व स्क्रीन दी थी। S24 में कर्व स्क्रीन नहीं, आपको पता होगा, तो कर्व स्क्रीन के साथ ये फ़ोन जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है। एंड इसकी कैमरा भी भाई फ्लैगशिप लेवल पर है। यहाँ पर आप इसकी पिक्सल्स देखें कितनी क्लियर है। सैमसंग की जो है प्रोसेसिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है फ़ोटोग्राफी में, वीडियो में जो है और भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बट S24 भी काफ़ी अच्छा था, मैंने आपके साथ उसका भी कैमरा रिव्यू कुछ चीज़ें शेयर की, आप चेक कर सकते हैं आई कार्ड में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट गैलेक्सी A34 A54 एंड सम ऑफ मोर सैमसंग फोन्स। गाइस, वीडियो पसंद आई तो यार लाइक करो, चैनल कर दो सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।